बनिया वाली रानी, कुंभ वाली, प्याऊ वाली रानी और पूरा किया गया। दूसरी चीज ये लेडीजों के लिए बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उनकी सेवा में हमेशा लगे। यार आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए और अब की बार हम आपके लिए दैनिक हरियाणा आपका स्वागत है। और जैसा कि नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं उसी को लेके अभी हम नांगल चौधरी के अंदर हैं फिलहाल, यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव को लेकर के काफ़ी सारे प्रत्याशी उतर चुके हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चेयरमैन पर्सन चेयरमैन के लिए। तो उसी को लेकर के अभी हम पहुँचे हुए हैं एक जगह पर जहाँ पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे बात करवाएंगे आपके सीधे कि वो क्या क्या किस किस तरीके के मुद्दे लेकर के ना वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये भी पूछेंगे क्या प्रतिक्रियाएं उनकी चल रही है, क्या उन्होंने समाज सेवा के अंदर काम किया है। तो ये सारी बातों को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा जो चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट्स की जो चुनाव के लिए जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं उनका नाम है संजना, संजना सैनी है और ये पुत्र वधु है जो ये पूर्णचंद सैनी जी हैं उनकी पुत्र वधु है। तो इनसे मुद्दे हैं जो भी हैं इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी, भाई साहब नमस्कार जी। तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे सर, नहीं पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 10,000 के। अच्छा ऐसे कितनी ढाणियाँ इस नगर पालिका के अंदर? बनिया वाली ढाणी, कुंभ वाली, प्याऊ वाली ढाणी और गंदा वाली ढाणी, बाया वाली ढाणी, मोहनपुर, नौलाजा, नौलपुर। मोहनपुर और नौलाजा दो गांव हो गए, बाकी ढाणियाँ? हाँ, जिंद्रा वाली ढाणी, ठाकरा की ढाणी। चुनाव क्यों लड़ने उतरे हैं, क्या क्या इच्छा जाहिर की कि भाई मैं चुनाव लड़ूँ नगर पालिका के एज ए चेयरपर्सन की, क्या इच्छा जाहिर? वैसे है ना, हमारे यहाँ नांगल चौधरी में सबसे ज़्यादा तक पानी की समस्या है जी, दूसरे तीसरे दिन पानी के टैंक आते हैं जी। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे पानी की समस्या को पूरा किया जाए जी। जी जी, तो ये आपके पूरे क्षेत्र के अंदर परेशानी है पानी की या सिर्फ कुछ हिस्से में ही है? नहीं, पूरे में ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है पानी की समस्या होगी, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएँ हैं जिनको जो मुद्दे हैं आपके जो आपको लग रहे हैं कि भाई ये मुद्दे हैं इनको लेकर के हमें चुनाव लड़ना चाहिए? एक कच्चे रास्ते हैं, उनको कच्चे रास्तों को पक्का करवाना, नालियाँ गड्ढे हैं इसलिए पक्का रास्ता कराना जी। इसके अलावा और क्या क्या है? देखो आपके एक तो पानी की समस्या सबसे बड़ी हो गई है, आपने बताया कि रास्तों की जो कमी है वो हो गए, इसके अलावा और क्या क्या है समस्या? गरीब लोगों को कहना चाहूँगा और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जैसे कि करीबन 9-10 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं चेयरपर्सन के, जनता आप ही को क्यों चुने, ऐसा क्या कारण है कि जनता आपको चुने? इंसान की छवि देखी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जनता ने आपको चुन भी लिया है, तो कई बार क्या होता है कि देखो गंभीर है क्वेश्चन मेरा, जनता ने आपको चुन भी लिया तो कई बार क्या होता है कि एक बरसात की तरह, जिस तरह बरसात होती है उस दौरान बहुत सारे जैसे मेंढक आ जाते हैं, उसके बाद में बरसात चली जाती है गायब हो जाते हैं मेंढक भी, यानी कि चुनाव आए सामने आए हम वोटों के लिए आए, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक हम जैसे कि मार्केट में भी ना रहे, चुनाव से दौरान हमें जनता ने जिता दिया, जिताने के बाद में क्या हम अपने मुद्दों को लेकर के जनता के साथ में या जनता की समस्याओं का निराधार करेंगे? जनता के साथ रहेंगे जी। अभी मेरे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं जिनकी धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ रही है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब मैं चाहता हूँ आप इधर आ जाओ एक बार, आप मैडम उधर चले जाओ जी। तो भाई अपना शुभ नाम? सुमित सैनी। सुमित भाई, सुमित भाई जैसे कि सबसे पहला तो मेरा वही सवाल रहेगा कि आपने कितने वोट हैं अपने इसमें? 10,321 के में कितने वोट हैं और अपने शहर में कितने वोट? वैसे तो नांगल चौधरी के अंदर जी कम से कम ये मान के चलो आप 6,000 तो नांगल चौधरी क्षेत्र के अंदर हैं, बाकी गांव हैं इनके अंदर भी हैं, किसी में 1100 हैं, किसी में 1200 हैं, किसी में 2200 भी हैं। इस तरह की बात करते हैं कि कुछ मुद्दे लेकर के आप उतरे होंगे चुनाव के लिए, क्या क्या मुद्दे लेकर के उतरे हैं, मेन क्या परेशानियां हैं जो समाज में सबसे ज़्यादा परेशान थे सर यहाँ पर? और क्या मुद्दे लेकर के? और सर दूसरा मुद्दा ये है, एक तो पानी की समस्या, दूसरी इस नांगल चौधरी बस स्टैंड के क्षेत्र के अंदर लेडीजों के लिए बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जैन समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है जी। हमने बस स्टैंड के ऊपर भी अपनी सार्वजनिक शौचालय नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है, बाकी
नांगल चौधरी क्षेत्र इतना कमजोर नहीं है जो ये काम कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी नांगल चौधरी क्षेत्र में अभी तक इस समस्या का हल हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है जी। दूसरी बात सर, इस क्षेत्र के अंदर उसके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर सार्वजनिक शौचालय नहीं है तो नुमाइंदों की कमी है, क्योंकि नुमाइंदों की नज़र में ये चीज़ है कि यहाँ पे आवागमन है, काफ़ी सारे गांव जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है इस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की। हाँ बिल्कुल जी, और क्या समस्या है? और समस्या है सर, गाँव में कई जगह हमारे कच्चे रस्ते पड़े हैं, सरपंच के टाइम के रस्ते पड़े हैं, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरा थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन यही था संजना जी से कि भाई बरसाती मेंढक भाई वोट मांगने के लिए तो आ गए, उसके बाद में हमने उनको उनको आश्वासन दिया कि अब की बार हमने फर्स्ट टाइम तो चुनाव लड़ने की कोशिश की है, अब की बार हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले गाँव के सड़कों की समस्या पूरी करेंगे, पानी की समस्या पूरी करेंगे। कई गांवों में कई ऐसी डानियाँ हैं जिसके अंदर तो पानी की व्यवस्था है ही नहीं, पानी की टंकी जरूर बनी हुई है लेकिन पानी नहीं पहुंचता वहां पर, क्योंकि वहां पे प्लाइन ही नहीं बिछी हुई है, पानी कहां से आएगा? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की। ये आप समाधान करोगे जी? अब की बार जिस तरह से जनता हमारे साथ रहेगी तो हम उनका जी और जान से उनके साथ रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे उनके लिए, जब भी किसी भाई की समस्या होगी। क्षेत्र में हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को, पालिका के क्षेत्र के बच्चों को बहुत कुछ एक्स्ट्रा हमको उनके लिए सुविधा करवाएं। उनकी सुविधा ये है जी, बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर खेलने की व्यवस्था, पढ़ाई के साथ साथ खेलने की और उनको फिजिकल की भी, धीरे धीरे उनकी तरफ हमें भी ध्यान देंगे और आगे उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं भी हम कोई भी किसी भी जगह पे या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पंच से लेकर के एमपी तक के चुनाव हो, एक ही कुछ लोगों का यही होता है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे क्षेत्र के अंदर विकास हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा कार्य हो, शिक्षा के लिए, रोज़गारी के लिए, खेलकूद के लिए, हमारी बहन बेटियों के भविष्य के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, साथ में लाइट की व्यवस्था बनी रहे, रोड हमारे बने, और जो अहम जो चीज़ है जैसे कि भाई साहब सुमित ने भी बताया कि पानी की व्यवस्था बराबर बनी रहे ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ में चिकित्सा की भी कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल हो गए, उनके अंदर पूरी सुविधा ना होना, उसके लिए दूर दूर जगह पर 30-40-50-100 किलोमीटर तक जाना, उसके बाद में पशु चिकित्सा भी होना चाहिए। ये मेन जो समस्याएं होती हैं इनको लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो सुविधाओं के लिए वो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नुमाइंदे आने के बावजूद, जीतने के बावजूद वो गायब हो जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं, उसके चक्कर लगाए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा जो मैंने बोला? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं जी। उसके बाद ये जैसे निजामपुर रोड है, नारायण रोड है, कोटपुली रोड पर, इस पर लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, 7 बजे के बाद में इतना अंधेरा हो जाता है इसके ऊपर कि बस स्टैंड से लेके कहीं तक कुछ नहीं दिखाता जी। इस पे लाइट की लाइट आपका आपसे एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जनता के सामने बहुत सारे नुमाइंदे हैं जिनको चुन सकती है, लेकिन आपको ही क्यों चुने, उसका आंसर जनता को चाहिए, आपको ही क्यों वोट दें? जनता को हम इस चीज़ का धैर्य रखेंगे कि अब की बार हमें इन्होंने आगे सहयोग के लिए बढ़ाया है तो इनकी सेवा में हम हमेशा खड़े रहेंगे, कभी भी मुकरेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन जैसे लोगों की तरह नहीं है कि एक बार बन लिए, अपने जैसे करना था वो कर लिया और फिर दोबारा खड़े हो गए। अब की बार हमने यही कदम उठाया है कि अब की बार हम लोगों की सेवा में उतरेंगे, फिर सभी से यही अनुरोध करेंगे अब की बार आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए और अब की बार हम आपके लिए काम में, कार्य में सामान के साथ पहुँचेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, और धन्यवाद दोस्तों आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट प्रत्याशी से, और क्या प्रतिक्रिया रहती है इन चुनावों की, ये जो क्षेत्र है नगर पालिका क्षेत्र है नांगल चौधरी, यहाँ क्या क्या प्रतिक्रिया रहती हैं, एक एक से आपको रूबरू करवा भी रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।